आयुष्मान भारत लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं आया है तो वो इस प्रोसेस से अपना नाम जोड़ सकते हैं। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो एलिजिबल भी है उनका नाम नहीं जुड़ पाया है, किन्हीं का टेक्निकल प्रॉब्लम है तो किन्हीं का और प्रॉब्लम के वजह से नहीं जुड़ पाया है। यदि आप अप्रैल 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी प्रोसेस से आप अपना नाम इस लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आयुष्मान कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको आ जाना है PMJAY.gov.in के वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो सबसे पहले में आपको दिखेगा MI एलिजिबल। उसके बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है जहाँ पर आपको दिखेगा ग्रीवांस पोर्टल, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं आयुष्मान के दूसरे पोर्टल पर, जहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर के अपना सुटेबल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा चेक योर एलिजिबिलिटी। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा रजिस्टर योर ग्रीवांस का, तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रीवांस रजिस्टर फॉर, तो आपको इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है और आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन PMJAY वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म देखने के लिए मिलेगा जिसे आप बारीकी से पढ़ के भर लेंगे। इस फॉर्म को कैसे आप भरेंगे, आप उसके लिए हमारी वीडियो को बारीकी से देख ले ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। उसके बाद यदि आप इस फॉर्म को खुद से भर रहे हैं तो आप बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट रहने देंगे। यदि आप CSC संचालक है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ये फॉर्म खुद से भर रहा हूँ तो मैं एज ए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा केस टाइप क्या है, तो हमें अपना नाम आयुष्मान कार्ड में जुड़वाना है तो उसके लिए हमें ना कंप्लेन करना है ना इंक्वायरी करना है, हमें इस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा RU एनरोल अंडर PMJAY, तो हमें इस नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें अपना यहाँ पर नाम डाल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद हमारा ईयर ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपना कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद हमारा जो स्टेट होगा वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो जिला है यानी कि डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे भी फिल कर लें। उसके बाद आप जाएंगे ग्रीवांस अगेंस्ट, तो आपको इसमें किसी पर भी सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि आपको किसी के ऊपर कंप्लेन है एज अ इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल या कॉल सेंटर किसी से भी, या किसी CSC से है कॉमन सर्विस सेंटर से, आपको इसमें किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे की ओर आना है नीचे, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे अदर्स, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ग्रीवांस अगेंस्ट में डालना है PMJAY में नाम जुड़वाने के लिए, यानी कि यह है अगेंस्ट का ऑप्शन, किसके खिलाफ आप कंप्लेन करना है। तो आपको कंप्लेन नहीं करना है, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे मुझे अपना नाम यहाँ पर PMJAY में एनरोल करना है। तो उसके लिए मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ग्रीवांस अगेंस्ट में लिखेंगे IAM एलिजिबल बट माई नेम इज नॉट रजिस्टर्ड इन PMJAY। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ ग्रीवांस में आप लिखेंगे रजिस्टर माई नेम इन PMJAY। उसके बाद ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन में आपको यही वाला कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना है। देन आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आपको अपलोड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड और उसके बाद अपना आपका जो राशन कार्ड है आपको उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड ऑडियो और वीडियो, तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी वीडियो बना लेना है जिसमें आपको कहना है कि मैं एलिजिबल हूँ PMJAY यानी कि आयुष्मान कार्ड के लिए, लेकिन किसी कारणवश मेरा नहीं बन पाया है, तो प्लीज़ मेरा नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ दीजिए ताकि मैं अपना इलाज फ्री में करा सकूँ। उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, देन आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और स्क्रीन पर आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। उस ट्रैकिंग नंबर को आपको संभाल कर रख लेना है। उसके बाद आपको वापस से इस होम पेज पर आ जाना है।
जहां पर आपको दिखेगा ट्रैक योर ग्रीवांस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेना आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कहां पे पहुंच गया है। इसके बाद जो भी आपको ट्रैकिंग नंबर या जो भी आपको नंबर मिला था वो वाला आपको यहां पे एंटर कर लेना है, देन आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट की स्टेटस कहाँ पर पहुंची है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पोर्टल से जब भी आप ग्रीवांस के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे 24 से 48 घंटों के अंदर सॉर्ट आउट कर दी जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।